हरिवंश राय जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कविता का जीता जाता उदाहरण आज हमारे साथ हैं, नैना सिंह ढाकड़। पहचान की कोई मोहताज नहीं है। नैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स या जो भी एस्पिरेंट्स कह लें, ये हमेशा इनका एक सवाल रहता था या फिर हमेशा ये कहते थे कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन के लिए कुछ करिए। तो आज मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि खुद आज मोटिवेशन की समंदर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे इन्होंने अपनी सफलता जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आप सभी को पता है, बार बार पढ़ते हैं, 8,848.86 मीटर, इस पर इन्होंने सफल चढ़ाई कर अपनी प्रसिद्धि के साथ साथ पूरे राज्य के साथ में देश को भी गौरवान्वित किया है। तो आज हम बात करेंगे नैना सिंह ठाकड़ जी से। नैना, सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं नैना सिंह ढाकड़ बस्तर की मिट्टी से पली बड़ी हूँ और बस्तर ही मेरी जन्मभूमि है। जिस तरीके से मुझे ये गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और बस्तर की मिट्टी में पली बड़ी हूँ, और मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं 3 साल के एज में मेरे पापा एक्सपायर कर गए, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मेरी मम्मी है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और छोटी सी फैमिली, सिंपल सी फैमिली, एक छोटे से गांव बस्तर के टाकरागुड़ा से मैं बिलोंग करती हूँ जी। 2 साल की उम्र में पिता को खो देना और उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचना, मतलब आप सब एस्पिरेंट्स हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम हो, किसी भी हो। आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती होंगी, जाहिर सी बात है हर किसी के लाइफ में आता है। लेकिन ऐसी चुनौती जो नैना के साथ में आया, वो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के साथ भी इस तरह की चुनौती होगा। तो अगर ये एवरेस्ट तक जा सकती हैं, तो आपका तो एवरेस्ट की चढ़ाई से कुछ कम ही मानकर चलो आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य तक आप भी पहुंच सकते हो। और आज आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नैना जी, आपने एवरेस्ट फतह किया है जी। तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ आ रही थी, तो जब भी मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था कि आपने एवरेस्ट फतह किया, या पहले भी जब मैं पढ़ता था कि इन्होंने एवरेस्ट फतह किया, तो एक बहुत बड़ी बात मन में आती थी कि लगभग 60 से 65 दिनों का जर्नी होता है जी। उसके बाद माइनस में इतना टेम्परेचर, इतने दिन तक सर्वाइव करना, कितना स्ट्रगल होता है। पहाड़ चाहे बड़ा हो या छोटा, मंजिल चाहे छोटी हो या बड़ी, पर मंजिल और पहाड़ के बीच में वही फ़र्क होता है, वही स्ट्रगल होती है जो हम एक साधारण से रोड में चलते हैं। रोड में चलते हैं तो काफ़ी सारी सेफ्टियों का ध्यान रखना होता है, उसी तरह पहाड़ में भी वही चीज़ें हैं कि पलक झपकी नहीं दुर्घटना घटी नहीं, वही वाली कहानी है। तो ये स्ट्रगल काफ़ी लंबी और चौड़ी है। जो 65 डेज, आप मानेंगे नहीं कि खाली बर्फों के बीच में खेलना, मौत को सामने देखना और मौत को छू के निकला हुआ वो हवा आपको एहसास दिलाता है कि आपका स्ट्रगल कितना है। सोच सकते हो ये कितना बड़ा स्ट्रगल है। आपके आप जैसे में से तो कई घर में आप रूम में एसी में कूलर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, तो इनके सामने आपका स्ट्रगल मानकर चलो कि कम है। तो आप कहीं ना कहीं अगर अपने इरादे मजबूत रखते हो तो बिल्कुल सफल हो सकते हो। नैना, आपसे एक सवाल और है कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करने से पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फैमिली का भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करें तो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, मैं छत्तीसगढ़ के नाम से काफ़ी अभी देश में भी ये पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ है कहाँ। बिल्कुल, और काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि छत्तीसगढ़ है कहाँ। रायपुर कहेंगे तो जानते हैं, कुछ लोगों को पता है, पर छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता है। उसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी, जब छत्तीसगढ़ नहीं पता है तो बस्तर कैसे पता होगा। लेकिन अगर बस्तर की बात आती है तो बस्तर को एक बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं लोग, अशिक्षित समझते हैं, वहाँ पर नक्सलवाद समझते हैं, वहाँ पर हर चीज़ के लिए एक कमेंटमेंट होता है क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स जीती है। और ट्राइबल्स के बीच से मुझे वहाँ बाहर आना, क्योंकि मैं भी एक ट्राइबल्स एरिया से हूँ, बस्तर इज़ अ प्रॉपर मेरा निवास स्थान है,
और उस छोटे से गांव टाकरागुड़ा से मैं निकली हूँ। तो इसका श्रेय मैं यही बोलूँगी कि मेरी स्ट्रगल तब शुरू हुई जब मैं थर्ड क्लास में थी। थर्ड क्लास कितनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तो जो मैं थी वो लोग नहीं थे, क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वो कैसे आपको डिज़र्व करती है, कैसे आपको डिमोटिवेट करती है वो पता नहीं, लेकिन वो तो बचपना होता है। बिल्कुल। तो जब बचपन था, थर्ड साल के थर्ड क्लास में थी मैं, और जब मैं नाट्य कला मोहन सर करके हैं, मनमोहन सर करके हैं, उनके थ्रू आज तो बहुत बड़ी चीज़ें होती है, जैसे हमारे हलवी मूवीज़ है और मूवीज़ जो बनती है हमारे लोकल जो ट्राइबल्स के लिए, तो वो होती है। मैं वहाँ पे गई और मैं मंच पे परफॉर्मेंस करने लगी नाट्य कला। तो 3 साल के एज में मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा, पर मैं बिन बाप की बच्ची थी क्योंकि पापा नहीं थे और मम्मी थी, तो इस बात से लोगों ने मम्मी को ये कहने लगा, लोग मीन समाज जो घर के फैमिलीज होते हैं, सोसाइटी एक अलग ही चैलेंज जी है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब अच्छा करते हो तभी लोगों को चुभता है। और सबसे बड़ी बात, उस समय मुझे ये बात नहीं समझ आई थी क्योंकि बचपना था, और जब मुझे लगा कि ये लोग बोल रहे हैं मम्मी से कि आपकी बेटी को ये सब क्या करवा रही हो और ये सब कैंसिल करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा, तो मुझे लगा शायद मम्मी प्रेशर में आएंगी, उससे पहले मैंने बंद कर दिया जी। उसी के साथ जब मैं 5th क्लास में थी तो मुझे डांस का बहुत शौक़ था, तो मैं मंच परफॉर्मेंस करती थी और हमेशा प्राइज़ लेती थी। तो मुझे ये था कि आज ये मंच मिला है कल बड़ा मंच मिलेगा, तो वो जो परफॉर्मेंस था वो बचपन के थे। तो फिर से वही बात, समाज की बातें आती थी और ये कहते थे अच्छा अब बेटी को तुम नचवाओगी क्या पब्लिक के सामने, तो वो चीज़ें थी, मम्मी को डिमोटिवेट करती थी। फिर मम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा देख ऐसे करेगी तो नहीं चलेगा, लोग खाते हैं बोलते हैं। तो 5th और 7th में डिस्टेंस आ गया 2-3 सालों का। जब मैं 7th क्लास में थी तो मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहा, क्योंकि उस समय भी लोगों की यही बात थी बेटी पढ़ लिख के करेगी क्या, चूल्हा तो फूकना ही है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि वही बेटी है जो चूल्हा फूकना नहीं चाहती थी, चूल्हा फूकने के साथ। और आज भी ये सोसाइटी का जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं इससे बाहर नहीं निकला है कि बेटी क्या करेगी, चूल्हा ही तो फूकेगी। बिल्कुल। तो मम्मी ने मुझे यही कहा कि बेटा अब यहाँ से पढ़ाई क्विक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी पापा के जाने के बाद कि मैं पढ़ सकूँ और उनसे फैसिलिटीज़ मांग सकूँ, कि मुझे किताब चाहिए, पेन चाहिए, कुछ भी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पल जो था जब मम्मी ने मुझे पढ़ाई के लिए रोका, तो आई फील कि बस अब ज़िंदगी यही ठहर जाएगी। कि एक सर ने बोला जैसे कि अगर किसी के पैर में नहीं झुकना है तो एक किताब उठाओ, तो वही चीज़ मेरे मन में आ गई और मैंने वो किताब उठाया और मम्मी से यही रिक्वेस्ट किया, मम्मी आप जो कहेंगी मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, इवन आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे ये कह दीजिए कि हाँ तू आगे पढ़ेगी, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी। और मेरी वो ज़िद शायद कहीं लेके जाती, मुझे ये नहीं पता था, वो छोटी सी ज़िद। मैंने छोटे छोटे बच्चों के ट्यूशन लेना स्टार्ट किया, जो बच्चे पैसे दे सकते थे वो मुझे महीने के 50 रुपये देते थे, और जो बच्चे गरीब थे उनसे मैं पैसे नहीं लेती थी, मैं फ्री में उनको शिक्षा देती थी ताकि वो बच्चे मुझसे कुछ सीख सकें। बस यही एक उम्मीद थी कि वो बच्चे मुझसे सीख सकें। और जो वो 50 रुपये मिलता था मैं उससे बुक्स लेती थी, पेन लेती थी और पेंसिल लेती थी, पर घर पर कभी ये नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए। इसके साथ ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं 7th में थी, 7th में तो ये बात हुई थी, और 8th तक आते तक मेरे मन में आया कि मैं स्पोर्ट्स लाइन में जाऊं, वो काम चल ही रहा था ट्यूशन का, और मैंने हॉकी सेलेक्ट किया। तो 6 महीना मैंने प्रैक्टिस किया हॉकी का और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्शन होना था। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होना था, क्योंकि हॉकी तो गेम है, और जब घर से निकलती थी सूट पहन के और फिर ग्राउंड में हमें तो शॉर्ट्स पहन के टी शर्ट पहन के दौड़ना पड़ता, हॉकी की स्टिक लगानी पड़ती, तो वो चीज़ था। तो लोग फिर वही बात कहने लगते, अच्छा आपकी बेटी के कपड़ों का देखा है, कभी ध्यान दिया है? तो वो मम्मी को बहुत चुभती थी वो बातें। मैंने हॉकी क्विक किया, उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं। 9th क्लास में आते तक मैंने स्काउट गाइड ज्वाइन किया। देन स्काउट गाइड के बाद ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझ में कुछ है, बट वो नहीं सबको दिख रहा मुझ में कुछ है, बट अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करने वाली हूँ। तो जब मैंने स्काउट गाइड किया, परेड किया, परेड मैंने 3 साल किया, उसके बाद मैं एनएसएस से जुड़ी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 10th क्लास तक मैंने अपने क्लासमेट से भी बात नहीं किया होगा, मैं इतनी सिंपल एंड स्वीट थी, क्योंकि वो चीज़ थी, परिस्थिति ने मुझे वो डाल दिया था, क्योंकि एक प्रेशर भी था, बिल्कुल, एक जिम्मेदारी भी थी और साथ में मुझे कुछ करना था। तो जब मैं 11th में आई, मैं एनएसएस से जुड़ गई, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, इसके तहत मुझे कैंप मिला, 1st कैंप, और उसके साथ ही मैं जूडो कराटे खेलने लगी। तो जूडो कराटे में एक चीज़ था,
कि हमारी ड्रेसिंग सही होती है, हम फुल टू कवरिंग होते हैं, तो इस पर किसी ने कमेंट्स नहीं किया, बिल्कुल, तो वो चीज़ें चेंज हो चुकी थी और मैं भी बड़ी हो चुकी थी घर से। मम्मी को भी ये था कि लड़की घर का भी काम करती है, पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई तो एक्टिविटीज़ में भी। तो 2010 में मैं एनएसएस के थ्रू हिमाचल गई और हिमाचल से जो मेरी थिंकिंग थी ये बदल गई। अब बदलने की बात ये आती है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और मैं 3 टाइम मैंने जूडो का गेम खेला है नेशनल। उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल आया, अब तो मैंने ये सारी लड़कियां मेरे को दिख रही थी कि एक जैसी लग रही हैं, जो मेरी बैचमेट थी वो सब ये देखते थे कि ये भी कराटे करवाती वो भी कराटे करवा रही, ये भी जूडो करवा रही वो भी जूडो करवा रही, तो मुझे कुछ अलग करना था। मुझे ये नहीं पता था कि इतना यूनिक करना था, बट अलग मतलब करना था। आपके अंदर बचपन से ही कुछ अलग करने का जज्बा था और वही 2010 में निकल गया मेरी भड़ास। और जब मेरा हिमाचल सलेक्शन हुआ तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे सफ़र करने से बहुत डर लगता था। मतलब मैं सफ़र करती तो मेरा सर घूमता था, मुझे वॉमिटिंग आती थी, हाइट देखती थी तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, और वही डर वही सब कुछ मेरे लिए एक जुनून, एक जज्बा और मेरी पैशन बन गई। आप सोच सकते हो, मतलब जिस इंसान को हाइट से डर लगता हो, ट्रैवल करने में डर लगता हो, अगर उनके इरादे इतने मजबूत हैं वो एवरेस्ट तक जा सकती हैं, तो फिर आप भी इनकी तरह कहीं भी जा सकते हो। नैना जी, सच में आज आपकी बातें सुनकर आप मेरे लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी तरीके से जब हिमाचल गया, हिमाचल से आने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि माउंटेन्स क्या है, ये रॉक्स क्या होते हैं, ये ग्लेशियर क्या है, बस अब मुझे यही रहना है। मैं हमेशा देखती और पहाड़ों को कहती कि मुझे यहाँ घर बनाना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब सिलेंडर का एक लेडी 2 सिलेंडर लेके वो पहाड़ के ऊपर चढ़ती है अपने घर की तरफ, तो कितनी मेहनत होती है। इवन हमारे यहाँ तो खाली सिलेंडर भी नहीं उठाती हैं, हम तो बस इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ें हैं, तो वो एक घर करने वाली बात थी। और उसी तरीके से जब मैंने इसके थ्रू आगे बढ़ी तो 2011 में कुछ ऐसे सिचुएशन थे, मैं बच्चों को ट्यूशन लेती थी, क्लासेस लेती थी जूडो का, सेल्फ डिफेंस सिखाती थी, साथ ही मैं अपना जॉब कर रही थी एज अ स्पोर्ट टीचर स्कूल पे, और सारा टाइम मैं इंगेज होती थी और फिर भी मैं समय पढ़ने के लिए निकालती थी। तो मेरा एक मुद्दा था कि मैं या तो पढ़ूंगी या सबसे हटके करूंगी, तो ये दोनों चीज़ मेरे को लेके चलना बहुत मुश्किल हुआ। इसी तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैंने DCA भी कंप्लीट कर लिया, PGDCA भी कंप्लीट कर लिया। आपकी एक बात से ना जी, हमारे व्यूवर्स जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत बड़ी शिक्षा मिल सकती है। जैसे आपने कहा ना कि या तो मैं आगे पढ़ाई कर लूँ या तो कुछ अलग कर लूँ, तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि SSC का भी प्रिपरेशन कर लूँ, बैंकिंग का भी कर लूँ, TSC का भी प्रिपरेशन कर लूँ। तो कभी भी टारगेट जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को साधने की कोशिश करें, जैसे कि आपने किया जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अलग किया और एवरेस्ट तक फतह की। बिल्कुल जी, तो उसी की तरह मैंने जब मैंने ये चॉइस किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई मुझे गिव अप करनी पड़ेगी, और वो चीज़ आपने अभी जो कहा वो फैक्ट था कि लक्ष्य एक होता है, 2 नहीं होता या 5 नहीं होते। तो मैंने ये डिसाइड किया, जब मैंने ड्रीम्स एक ही होता है, वहां तक जो मेहनत कर लेता है, जो वहां तक पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाता है, और कुछ अपनी लाइफ से या फिर सैक्रिफाइस। बिल्कुल, तो वही चीज़ था कि मैंने अपनी पढ़ाई को मास्टर के बाद, आफ्टर MSW करने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि BPED कंप्लीट किया मैंने दुर्ग यूनिवर्सिटी से, MSW बिलासपुर यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन मैंने बस्तर यूनिवर्सिटी से किया है। तो अब मेरी जर्नी आ गई थी, एक एम आता है, एम क्या होता है, AIM, एम फॉर लक्ष्य होता है, एम फॉर माउंटेन हो रहा था और एम फॉर मास्टर हो रहा था। तो मुझे करना क्या है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, और मैंने उसी रात एक डिसीजन लिया कि नैना तुझे तो कुछ अलग करना है। तो एक खुद की चैलेंज, हम हमेशा मोटिवेट होते हैं, दूसरे से प्रेरित होते हैं और कभी कभी कॉपी करने लगते हैं, तो कॉपी क्यों करना, आप अपनी अंदर की टैलेंट झाँक के तो देखिए एक बार। और आपने उस चैलेंज को माउंटेन गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़ में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, उस एम को मैंने छोड़ दिया और मुझे लगा ये एम फॉर मेरा माउंटेन है, और मैं बस चल पड़ी अपने रास्ते। उसी तरीके से 2010 से आज तक का जो सफ़र था, 10 साल का सफ़र हुआ और मैं बहुत परेशान हुई, लोगों ने मुझे बोला गिव अप कर ले, इवन मम्मी ने भी बोला कि बेटा नहीं होगा, गिव अप कर ले। और फिर 15 में मुझे गिव अप करने का मौका मिला, मम्मी ने बोला बस कर, अब बस ये नहीं होगा तो छोड़ दे। 1 साल जब मैं घर पे बैठी, कहते हैं ना जब अंदर से लक्ष्य जो हमारा कीड़ा जाग जाता है ना, तो हम किसी को नहीं देखते, बस और बस फोकस करते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है।
तो वही मेरा लक्ष्य मुझे रात भर सोने नहीं देता, रात भर जगाता, भूख नहीं लगती। और मम्मी ने मुझे साल भर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद बोला कि बेटा लगता है तू यहाँ की नहीं, तू उसी फील्ड की है और तुझे जाने की परमिशन देती हूँ। उसके बाद आज जब आपने एवरेस्ट फतह कर लिया तो आपकी मम्मी का क्या कहना था, सबसे पहला रिएक्शन? आफ्टर 15 के बाद जब मैंने एक साल बैक लिया तो मेरी मम्मी मुझे यही कहती थी, बेटा जो भी हो जाए करना तो तुझे एवरेस्ट है। तो वो जी जो लक्ष्य है वो मुझे अब बैकबोन्स मिल गया, क्योंकि वो बैकबोन्स मुझे मिल नहीं रहा था। बहुत जरूरी होता है और बैकबोन्स की बहुत ज़रूरत थी। तो सपोर्ट तो मिल ही रहा था बट बैकबोन्स नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने बोला कि ये मेरा सपना है कि तुझे एवरेस्ट करना है, तो मैंने उनके सपनों को घर कर लिया। ऐसे ही मेरे दो चार मेरे सीनियर्स हैं, सर हैं, उन्होंने मुझे यही बोला कि हम तुझे वहाँ देखना चाहते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूनिक कर लूँगी, पर जो 2021 मतलब 10 साल का स्ट्रगल, 10 साल में अगर कोई अपनी लक्ष्य को प्राप्ति हर बार मुकाम पास आता है और पीछे आ जाता है तो लोग गिव अप कर लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा स्पीच है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं एज अ फिजिकली एज अ मेंटली, तो आप परफेक्ट अपने लक्ष्य के पास हैं, क्योंकि उसमें शिद्दत होनी चाहिए। शिद्दत में कहते हैं ना पूरी कायनात आपके साथ होती है, तो ऊपर वाला क्यों नहीं, ऊपर वाला तो अपने साथ ही है। बिल्कुल, आप मतलब समझ सकते हो स्ट्रगल का लेवल कितना हाई है। तो ये तो बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो आपको फैमिली सपोर्ट खासकर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है सोसाइटी की वजह से फैमिली आपको सपोर्ट ना कर रहा हूँ, या हो सकता है आपके टैलेंट के ऊपर में आपकी फैमिली को डाउट हो, तो आप कोशिश करते रहिए और कोशिश करते करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो खुद फैमिली आपके पीछे से आके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे आपके साथ में हुआ। बिल्कुल, तो आप सबसे भी यही है, नैना जी के जितनी भी बातें हैं हुई तो एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि बस आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, धीरे धीरे जो पूरी दुनिया है वो आपके पीछे 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 आती रहेगी और सपोर्ट भी करेगी। नैना जी आप बस्तर अंचल से, सुदूर बस्तर अंचल कहलाता है, हालांकि अब तो काफ़ी विकास देखने को मिलता है उस क्षेत्र में भी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो पिछड़ा इलाका कहलाता है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखोगे तो वहाँ से बच्चे आगे आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और बस्तर की आप और नम्रता जैन दोनों आप इंस्पिरेशन हो बस्तर के लिए, तो वैसे बच्चे जो आगे आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते, कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता या सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो इन बच्चों को आगे आने के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी उन्हें? देखिए, मैं जिस घर से बिलोंग करती थी मुझे तो पैसे भी नहीं मिले। बिल्कुल, है ना, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ सपोर्ट भी नहीं था। इवन कहते हैं ना, अगर मुसीबत आपके चारों बेड़ियाँ बांधती है तभी तो खड़े होने का मजा आएगा, क्योंकि जब चार एक पैर खींच रहे हैं तो भगवान ने आपको दो पैर क्यों दिया है, तो एक पैर के सहारा लेके आप ऐसा करके दीजिए वो चार बेड़ियाँ आपके नीचे आ जाए। तो ये मैं मानती हूँ, हमारा जो बस्तर अंचल है वो अभी भी पिछड़ा कहलाता है, और ऐसे इलाके से बिलोंग करती हूँ जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, जहाँ पे 12-13 साल में शादियाँ हो जाती हैं और सिर्फ गृहस्थी जीवन, खेती किसानी यही जीवन है, मजदूरी यही जीवन है। मैं जानती हूँ हमारे बस्तर में टैलेंट की कमी नहीं है, और बस्तर में मैं रहती हूँ, बस्तर को मैं जिया है, बस्तर की मिट्टी से मैं जुड़ी हूँ। इस वजह से मैं यही कहूँगी कि बस्तर में कोई रुकावट नहीं है और ना ही रुकावट आएगी, क्योंकि अब जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, डेवलप हो चुका और है। बस्तर को तो अभी चांस चाहिए, क्योंकि बस्तर के हर एक युवा, हर एक व्यक्ति को यही है कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म ये है कि आप जैसे जैसे मोटिवेट स्पीच देते हैं, इंस्टीट्यूट है बड़ी बड़ी, इवन आजकल सेलफोन हो चुका है, लैपटॉप हो चुका है, तो आज भी उनके पास पहुंचता है। तो हमारे जो बस्तर की जो युवाएं हैं अपनी आर्थिक स्थिति और अपने परेशानियां परिस्थिति पे अपना कभी भी अपने लक्ष्य को ना चुके, क्योंकि आपके पास तो प्लेटफॉर्म था, मैं तो अकेली चली थी। जब मैं 2010 से चल के 2021 में अपना सपना पूरा कर सकती हूँ तो आपको तो सिर्फ 3 साल देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो 3 से 5 साल, हाँ, अगर सीरियसली प्रिपरेशन करें, सही गाइडेंस हो, तो वो बच्चा 1 साल में भी पेपर क्रैक कर सकता है। बिल्कुल, अगर 1 साल में करता है तो इस बेनिफिट, अगर होता है कि मेरा डिमोटिवेट मैं हो रही हूँ, तो डिमोटिवेट के कारण मैंने तो अपने कितने सारे पहाड़ चढ़े, मैंने तो कितने सारे स्ट्रगल किया, पर मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य तो बड़ा था। आपकी कहानी से एक बात तो सत्य साबित होता है कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं है, राइट? तो अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, अगर आपको पता है कि मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया हूँ कि
सिर्फ ऐसे ही बिना लक्ष्य का जीवन निकाल लूँ। अगर आप चाहते हो कि कुछ करना है तो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, इनकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल हैं उनसे आप इंस्पायर हो सकते हो। तो आप किसी भी क्षेत्र में रहो, कहीं भी रहो, कोई मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ ये करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, उस ओर बढ़ो। तकलीफें आएंगी लेकिन उस तकलीफ के बाद जो सफलता मिलेगा ना उससे मीठा चीज कुछ नहीं हो सकता। राइट, कहते हैं ना कि हम भीड़ के पीछे भागते रहते हैं और हम भीड़ में खो जाते हैं, कभी उस भीड़ से अलग होके देखे तो आपकी पहचान अलग होगी। तो यही है कि सर ने जैसे बताया कि आपका लक्ष्य आपका फील्ड नहीं होता, हर एक फील्ड में जाने का इंटरेस्ट, जैसे अभी मैंने एवरेस्ट चढ़ किया गया तो मैं हर किसी को नहीं कहूँगी कि आप एवरेस्ट चढ़िए, एक लक्ष्य है आप साधिए, अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे बचपन से ज्ञान नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, बस मुझे ये पता था कि जिस दिन भी करूँगी यूनिक करूँगी। आज मैं विश्व की दो ऊँची चोटियों को एक साथ फतेह किया है तो उसका जो गर्व मुझे हो रहा है शायद वो सभी अभी मिलने से होता है कि उस भीड़ को जब मैं देखती हूँ तो वो भीड़ आज मेरे पीछे है, तो उस भीड़ के बीच में ही मेरे अपने हैं, उनकी दुआ उनका आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, अगर आपको भी सफलता चाहिए, पीएससी क्रैक करना है, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आप भी लग जाओ, पीछे क्या हो रहा है बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल। बस अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते चलो, पर आप भी जब सफल हो जाओगे तो वैसे ही अपने आप को गौरवान्वित बहुत महसूस करोगे। नैना, अब आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, जैसे अभी अभी आपने एवरेस्ट फतह किया है, तो एवरेस्ट फतह में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बेस कैंप, बीच में तो ये भी सुनने को मिला था, न्यूज़ में आया था कि आपको रेस्क्यू किया गया था, तो उसके बारे में भी जानेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हो तो उस टारगेट में किस प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं और उस चैलेंजेस से आप किस प्रकार से सामना कर सकते हो। तो नैना शुरू से शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल, 31 मार्च 2021 मेरी जर्नी बस्तर से स्टार्ट हुई सुबह में और मैं यहाँ बस से निकल गई। देन मुझे जाना कहाँ था, मैं ऑन द वे जा रही थी और मैं चाहती थी कि पैसे बचा लूँ ताकि मुझे आगे कमी मत हो जाए, तो इस वजह से मैं ऑन द वे गई। और ऑन द वे मैं जब रायपुर पहुँची, फिर रायपुर से ट्रेन लिया, फिर मैं वाराणसी पहुँची, वाराणसी से फिर मैं बस लिया, बस से गोरखपुर, गोरखपुर से फिर मैं बॉर्डर सुनौली पहुँची, और सुनौली बॉर्डर पार करने के बाद मैं नेपाल एंटर कर लिया। नेपाल एंटर करने के बाद मुझे एक ख्याल आया था कि लक्ष्य बहुत करीब लग रहा था, क्योंकि मैं अब नेपाल में हूँ और लक्ष्य बहुत करीब लग रहा था। जब आपको ऐसा लगता है कि हम आज किताब खोले हैं और मुझे लग रहा है कि मैं लास्ट पेज तक आज रात भर में कंप्लीट करूंगी, तो होता है कि मैं लास्ट पेज तक कंप्लीट तो कर लूंगी लेकिन लक्ष्य एक दिन में नहीं था, एग्जाम का लास्ट नाइट। राइट, तो यही चीज़ है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ से हम सीखते हैं और वो मेरी जर्नी ने मुझे सिखा दिया था। क्योंकि जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तो बॉर्डर में मुझे वहाँ के जो फोर्सेस लगी थी उन्होंने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि कोविड का जो कहर चल रहा था उन्होंने मुझे रोका और बोला इतनी सारी लगेज लेके आप जा कहाँ रही हैं मैडम, तो मैंने कहा मैं हिमालय पर जा रही हूँ, बोले प्रूफ है, तो थोड़ा सा होता है छूटपूट कई लोग होते हैं। फिर वहाँ से मैं निकली और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं काठमांडू पहुँची ऑन द वे जी। काठमांडू में मैं 7 डेज रही, 7 डेज में यही मुझे रूटीन था कि सुबह उठो, फिर हिल स्टेशन में जाओ, रनिंग करो, एक्लिमेटाइज करो, मतलब बॉडी एक्लिमेटाइज कैसा होता है वो आपका प्रशिक्षण में डाल देते हैं, मतलब शुरुआत में भी आपको कुछ ट्रेनिंग, बिल्कुल, क्योंकि आप जितना सीखे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट लेकिन जो आपको लेके जा रहा है जिस कंपनी या एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं वो आपका प्रशिक्षण देखते हैं कि आप कर क्या सकते हो, वो जो काशन करता है वो आप कर सकते हो या नहीं, तो वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि हाँ इज अ परफेक्ट क्लाइंबर या नो। तो वो चीज़ हुआ 1 वीक, उसके बाद हम बाई फ्लाइट काठमांडू से लुकला गए, लुकला एक प्लेस है, फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और 10 डेज हम लोगों ने 1, 2, 3 ऐसे डेज लगा के हम बेस कैंप पहुँचते हैं 10 डेज में। और 10वें दिन जब हम बेस कैंप में पहुँचे तो वेदर बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था, लग रहा था कि अलग अलग एवरेस्ट के स्टेजेस पे अलग अलग बेस कैंप होते होंगे। नो, बेस कैंप एक ही होता है, पूरा एवरेस्ट का बेस कैंप एक होता है। जी, पूरा एवरेस्ट का बेस कैंप एक होता है। अभी तक लगता था कि बहुत सारे बेस कैंप, नहीं कैंप एक ही होता है, जहाँ बेस कैंप में आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी, आपको दाल चावल भी मिलेगा, रोटी भी बन जाएगा, पापड़ भी मिल सकता है, अंडे भी मिल सकते हैं, नॉन वेज भी मिल सकते हैं, इवन हर कुछ वहाँ पे अवेलेबल हम करवा, मतलब वो एजेंसी करवाती है।
तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो सबसे दिक्कत की बात है कि मैं दाल चावल ही खाती हूँ, रोटी बहुत कड़वी लगती है मुझे, तो मैं दाल चावल खाती हूँ, तो शाकाहारी अंडे भी नहीं लेती। तो कहते हैं ना कि आपका डाइट आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल कैसी है, तो वो लोग मुझे हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखते थे, ये लड़की दाल चावल खाती है, और डांट भी लगाते थे और मेरे सामने नॉनवेज ला के रख देते थे, पर मैंने कभी ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि हाँ मुझे ये सब कुछ देखना है या कुछ खाना है, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे एवरेस्ट करना है, सिर्फ वही एक मेरे कॉन्सेप्ट थी कि मुझे एवरेस्ट करना है। जब बेस कैंप पहुंचा तो वहां पे आइस ट्रेनिंग होती है कि आपको क्लाइंबिंग कैसे करना है, रैपलिंग कैसे करना है, गिर गए तो बचना कैसे है, हैज अ सेफ कैसे रहना है, अगर आपके सामने कुछ एक्सीडेंट होता है तो कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें वहां पे सिखाते हैं। तो वो एक दो वीक वहाँ पे हम लोगों ने रहा और वो ट्रेनिंग ली। उसके बाद कुंभू ग्लेशियर एक ऐसा है कि बेस कैंप से हम जब चढ़ते हैं पूरी ऑल टोटल आइस का वॉल होता है, अलग अलग साइज में, अलग अलग आकार का, आकार के साथ आपको अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं उसके, जो एक पैर भी अगर आप इधर या उधर करते हैं तो सीधे खाई में जाते हैं, आप दिखेंगे भी नहीं। वो कुंभू ग्लेशियर इतना बड़ा ग्लेशियर होता है। कुंभू में ठंड बहुत लगती है क्योंकि जब हम बेस कैंप से स्टार्ट करते हैं, रात के 12 बजे स्टार्ट करते हैं, और रात भर की वो जर्नी, जब कैंप 1 मतलब कुंभू ग्लेशियर से कैंप 1 पहुँचने में कभी सुबह का 4 बज रहा होता है, दूसरे दिन का 4 बज रहा होता है, कभी सॉरी शाम का 4 बज रहा होता है, कभी हम 3 बजे पहुंचते हैं तो कभी 2 बजे। तो अच्छे क्लाइंबर्स जल्दी सफ़र कर लेते हैं, नहीं तो वही 16-17 घंटे का रास्ता, 14 से 16 घंटे का रास्ता, ऐसे क्लाइंबर्स अलग अलग होते हैं। लोग कहते हैं कि इकट्ठे सारे चढ़ते हैं, इकट्ठे कोई नहीं चढ़ता, एक रोप लगी होती है, उसी रोप के सहारे, अगर 50 लोग हैं तो 50 लोग उसी रोप से चढ़ेंगे, तो सबको टाइम चाहिए ना, हर कोई फास्ट तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो मंजिल को पाने के लिए हर कोई ट्राई करता है कि 50 क्लाइंबर लाइन पे खड़े हैं और 1 by 1 चढ़ रहा है, तो उस स्पेस में टाइम भी वेस्ट होता है। इतनी बड़ी बड़ी खाइयों में नीचे उतरना, फिर नीचे से ऊपर चढ़ना, खड़ी वॉल पे चढ़ाई करना, बहुत डिफिकल्ट होता है वो कुंभू ग्लेशियर। उसके बाद कुंभू ग्लेशियर में ये ट्रेनिंग के बाद हम वो पिच करते हैं, फिर कैंप 1 पहुंचते हैं। कैंप 1 जब हम पहुंचते हैं, बेस कैंप से कुंभू ग्लेशियर के साथ साथ हम कैंप 1 पहुंचते हैं। जब कैंप 1 पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम अपनी मंजिल पे आगे, घर मिलेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा, तो वहां सिर्फ टेंट मिलता है, टेंट लगा हुआ है। वॉशरूम के लिए जाना है तो हम बर्फ का एक काट के स्थान बनाते हैं जहाँ पे हम वॉशरूम या टॉयलेट करके हम उसे पाट दिया जाता है। नहाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, खाने में आपको फिर वही मिलेगा -40 डिग्री में। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे टेम्परेचर अप डाउन होती रहती है। फिर वहां से जब कैंप 1 से कैंप 2 के लिए जाते हैं, वो 12 to 13-14 आवर्स का टाइमिंग लगता है, तब हम रात के स्टार्ट कर रहे हैं या सुबह स्टार्ट कर रहे हैं। जब कैंप 2 पहुंचते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लगता है जैसे हम सहारा के मरुस्थल में है, कि जितनी बड़ी आंखों की पुतलियां बड़ी करेंगे उतना वो ग्लेशियर दिखेगा, ग्लेशियर, स्नोफॉल, क्रेवास, मतलब आप समझेंगे नहीं कि हमको चलना कहाँ है और जाना कहाँ है। बस एक रहता है कि आपको रोप लगी है तो आप अपनी सेफ्टी लगाए हुए हैं और आपको चलना है, अगर एक व्यक्ति का पैर का निशान है तो बस इसी पैर को चलना है, अगर इधर हो जाते हैं तो आपके रस्क, मतलब इतना रस्क कि एक पलक झपका नहीं। और रात के हम जब चलते हैं, दूसरे का सुबह हो गया, फिर शाम होने जा रहा है, हमने खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो वो सिचुएशन बहुत ख़राब होता है। तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, और मैं 13 मई को सबमिट करना चाहती थी माउंट एवरेस्ट, और मैं निकली थी 8 मई के रात के, 9 मई को मैं कैंप 1 कैंप 2 हम डायरेक्ट क्लाइम किया। उसके बाद कैंप 2 के बाद हम लोगों ने कैंप 3, कैंप 2 जो है रास्ता दिखने में बहुत ऐसे प्लेन दिखता है, बट सीधी चढ़ाई है, पता ही नहीं चलता कि हम कैसे चढ़ रहे हैं, पर दिखने में बिल्कुल फ्लैट है, और खाइयाँ इतनी गहरी हैं कि अधिकतर मौतें वहाँ पे होती हैं, अधिकतर मौतें कि आप जिस रोप से, मतलब आप 2 फीट की गहराई पे चल रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, और 3rd फीट में अगर आपका पैर जाता है तो आपका पैर अंदर जा रहा है, सीधा खड़ा नहीं होगा, तो ये चीज़ें होती है वहाँ पे। इसी के साथ में जब कैंप 3 हमने पहुँचा तो कैंप 3 देखा कि खड़ी वॉल की चढ़ाई है, और वो खड़ी वॉल चढ़ा, मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस कर करके, आपको सिर्फ आपका लक्ष्य याद जी, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल और है जी, कि आपने एवरेस्ट सफलतापूर्वक कौन सी तारीख को चढ़ाई की, और इसके अलावा माउंट लाहौद से भी आपने सफलतापूर्वक चढ़ाई की? बिल्कुल। तो दोनों की तारीख एक्चुअल में क्या है, 2021 के जो 13 मई को, मतलब 13 मई को मैंने सबमिट के लिए निकला था, पर वेदर ने सपोर्ट नहीं किया, तो 12 मई को हम कैंप 4 में थे और 13 मई को कैंप हमको सबमिट करना था, बट जो साइक्लोन चला था इंडिया में उस वजह से हमने सबमिट नहीं कर पाए और हमें नीचे आना पड़ा, क्योंकि जो स्नो फॉल हो रहा था वो तो ओके था,
उसके साथ ही विंड जो होती है इतनी तेज़ थी, मतलब 50-60 एवरेज चलती है प्रति आवर्स, तो वो चीज़ हम नहीं झेल पा रहे थे, हमारे टेंट टूट रहे थे, हम गिव अप किए और नीचे आए। देन उसके बाद वन वीक वेदर ओपन नहीं हुआ तो मुझे एक ऑप्शन मिला कि माउंट लोहसे का, तो फिर मैंने माउंट लोहसे के लिए ओके किया, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके लक्ष्य के लिए आपको अंदर से स्ट्रांग होना है। तो 23 मई को मैंने माउंट लोहसे किया। बेस कैंप से हम निकले थे 18 मई को रात के, 19 मई, 20 मई, 21 मई हमने कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, देन सबमिट। तो माउंट लोहसे विश्व की चौथी ऊंची चोटी है जो 8516 मीटर की है, और ये सफलता हासिल करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मेरी अंदर की जो स्ट्रांग मैं कितनी हूँ मुझे पता चल चुका था, मेंटली एंड फिजिकली दोनों मैं कितनी स्ट्रांग हूँ वो मुझे पता चल चुका था। देन जो माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैंने माउंट लोहसे किया था जो विश्व की चौथी ऊंची चोटी है, उस चोटी पे पहुंचने का मैं फर्स्ट टाइम इतनी ऊंची चोटी पे थी, तो 6000 मीटर के तो काफ़ी किया था, 6000 प्लस के भी किया था, लेकिन जो 8000 मीटर की जो चोटी होती जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन किट के साथ चल रहे हो, वो पहली सफलता थी मेरी। 23 मई 2021 को सुबह का 10 बजे मैं उस चोटी पे थी, और सबसे पहले मैंने देश का तिरंगा फहराया, फिर राज्य का तिरंगा झंडा लहराया, साथ ही साथ मैंने स्वामी विवेकानंद जी का मैंने झंडा फहराया, और हमारे जय श्री राम का नारा लगाया, जय श्री राम का झंडा मैं लेके गई थी, और वहाँ पे मैंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि देश के लिए अगर कुछ करना है तो ये चीज़ तो करना ही था, जज्बा होना, तो बिल्कुल जज्बा के साथ मैंने ये किया था। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, हम सबमिट के बाद मैं नीचे आई, फिर हमें एवरेस्ट जाने के लिए रोक दिया जा रहा था मुझे स्पेशली, तो डटी रही क्योंकि मुझे करना तो था, मेरा लक्ष्य को प्राप्त करना था और मैं लक्ष्य के बहुत करीब थी। तो एक बार गए, अटैम्प्ट करने की कोशिश किया तो डाउन आ गए, क्योंकि डाउन आने का कारण वेदर था, कहीं ना कहीं कोविड था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, और एवलांच और आंधी तूफानों के बीच में हर एक कदम चलना बहुत रिस्क था। 30 को मैंने फिर से अपनी जो जर्नी कैंप 2 से स्टार्ट किया 6400 मीटर से, और मैं 1 जून सुबह के नेपाली टाइम में सुबह के 9 बज रहे थे, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जिसकी हाइट 8848.86 मीटर है, जिसका टेम्परेचर -39 था, आप बिलीव नहीं करेंगे, और विंड के साथ वहाँ पे सेम मैंने भारत देश का झंडा लहराया और हमारे राज्य का झंडा लहराया, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी का और श्री राम जी का, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। जब आप तिरंगा हाथ में उस चोटी पे फहरा रही थी, कैसा महसूस हो रहा था? आई फील कि देश आज हमारे सबसे ऊपर दिख रहा था, जैसे लगता है ना कि ओलंपिक में हमारा देश कहाँ है, देश कहाँ है, हमारा भारत कहाँ है, लगता है उसी तरीके से वो फील आ रहा था कि आज मैं अपने देश को दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर, बिल्कुल उसी तरीके से रखा था। और ये जर्नी मेरा 1 जून को स्टार्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हुआ, और उसके साथ ही मैंने ये सारे रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया। सबसे गुड न्यूज़ ये है कि दो पीक एक साथ करना इस सिचुएशन में, जब गिव अप कर रहे थे लोग और मैं वहाँ बैठी थी डटी हुई थी, तो कहते हैं ना आप अपनी लक्ष्य तो के पीछे भाग के देखिए, आपकी सफलता ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी। और वही जो चार लोग जो मुझे कह रहे थे कि मर जाएगी नहीं बचेगी, वो उनकी आँखें झुक चुकी थी। पर आई फील कि हम किसी को बोल के नहीं गए, हम अपना काम करके दिखाए, तो हिम्मत सिर्फ अपने पे है कि हम किसी को ना बोले और अपना काम करें। एक खबर आई थी, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको रेस्क्यू किया गया था? ये वाली खबर जो है बहुत गलत है, क्योंकि जब हम मैं स्पेशली मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे थी, उस समय हम लोग 5 लोग थे, 3 नेपाल के थे शेरपा, और वो अलग अलग टीम से थे, वो मेरी टीम से नहीं थे, मैं, मेरा शेरपा, वो उनका शेरपा और एक शेरपा एक्स्ट्रा कोई था उनका, तो हम 5 लोग थे। जहाँ 50 लोगों की प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर 5 लोग हैं तो बहुत लकीली बात है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और लोगों को हमारी एक हम जब नीचे आए तो कैंप 4 में, तो जब हमें कैंप 2 को नहीं पता, बेस कैंप को नहीं पता कि हमारी रेस्क्यू हुई नहीं हुई, हमारे साथ कोई था नहीं था, तो फिर अदर को कैसे पता चलेगा? अगर आपका किसी से कांटेक्ट होगा तो बात करेंगे ही ना, क्योंकि नैना कैसी है, नैना के साथ क्या हुआ, ये तो ऑब्वियसली पूछेंगे, आप थोड़ी सी हड़बड़ी करेंगे क्योंकि आपको सडनली पता चला है। बिल्कुल, तो जब हम अपने लक्ष्य के प्रति होते हैं तो ऐसे दुविधाएं तो आती हैं, पर ये जो न्यूज़ चली थी वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना मेरी तबीयत बिगड़ी थी और ना ही मुझे रेस्क्यू किया गया, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने पैरों से गई थी उसी तरीके से अपने पैरों से आई थी। वेदर की मात तो काफ़ी थी पर हमने रुका नहीं, बट
सब कुछ सेफ था। जब मैं काठमांडू पहुंची तब मैंने ये न्यूज़ देखा तो मेरी जो सफलता थी उस पर पानी फिर चुका था कि मेरा मन ऐसा हो गया, एक उदास मुझे रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल, जब मेहनत के बाद अगर आप बहुत जहाँ पहुंचना चाहते हो वहाँ पहुंच गए। जो व्यक्ति अगर आपका थोड़ा भी सपोर्ट किया होता तो मैं कहती कि यस आपने मेरा सपोर्ट किया है, आप ले लीजिए, आपने किया है। जब हुआ ही नहीं, इवन मेरे शेरपा ने जब मुझे लिया, जब मेरा शेरपा खुद जिंदा था, अच्छा था, स्ट्रांग था, तो फिर मैं किसी की रेस्क्यू की क्या जरूरत थी। सही बात है। तो ये चीजें हुई थी। एक सवाल सबके मन में भी आ रहा होगा, एवरेस्ट पर चढ़ने पर, टॉप एकदम चोटी पर चढ़ने पर दुनिया कैसे दिखती है? आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारी सबसे पहले मॉर्निंग होती है तो सूर्य देवता की पहले किरण से होती है, और जब सूर्य देवता जो सबसे पहले किरण छोड़ते हैं वो एवरेस्ट की चोटी पे छोड़ती है। तब जब एवरेस्ट को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सोने का चादर बिछा दिया गया है और आप वहाँ पे आप खड़े हैं। जो पूरा आकाश है, पूरा बादल है, वो आपके पैरों के कई गुना नीचे होता है और आप उन भीड़ों पहाड़ों के बीच में जो 6,000-7,000 मीटर उनके कुछ जैसे हम खड़े हैं और हमारे घुटने पे कोई दिख रहा है वो वैसा दिखता है और हम उस चोटी पे होते हैं। तो वो जो फीलिंग्स है, वो जो लुक्स लाइक्स जहाँ पे है, वो बिल्कुल निःशब्द है कि मैं अपने शब्दों के थ्रू मैं बता नहीं सकती कि कैसा होता। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही डाउन होता होगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन नेचुरल में होता नहीं है, डाउन नहीं होता ही नहीं होता है, ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर होती है और हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन किट लेके चलते हैं कि जैसा ख़त्म हुआ हम 5 मिनट भी बिना ऑक्सीजन नहीं रह सकते। सही बात। तो ये चीज़ हमारे साथ होती है। इसके बाद एक डिबेट और भी जी बहुत दिनों से चल रहा है जी और बार बार ये न्यूज़ में भी आया जी। ये न्यूज़ में आया कि आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला नहीं है एवरेस्ट फतह करने वाली जी। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य गठित होने के बाद जी आप छत्तीसगढ़ की पहली वुमेन हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया जी। अगर छत्तीसगढ़ गठन से पहले की बात करें, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तो भिलाई की रहने वाली थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फतह किया था। तो इस डिबेट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधी सी बात करूंगी, अभी तो शिक्षा के क्षेत्र पे सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये छोटा सा सेंस है अपना, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत की बात आएगा कि अगर 93 की बात लिया जा रहा है और 2000 में छत्तीसगढ़ घोषित किया गया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मैं मेहनत को नहीं कह रही कि मैंने ज़्यादा मेहनत किया, उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत तो उतनी ही लगी होगी जी। पर ये चीज़ें हैं ना, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस समय आपका सेंस बताएगा कि वो कौन थी, है ना। और जब एमपी से जब क्लाइंबर हुए थे तब आपको कहना चाहिए। एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया, तो वो आप जी। बिल्कुल। इसके बाद एक सवाल और, जब आपने एवरेस्ट फतह किया और उससे पहले जितने लोगों ने भी एवरेस्ट फतह किया, तो पहले जो एवरेस्ट की ऊंचाई थी जी वो 8,848 मीटर जी। बिल्कुल। और 2021 में ही शायद 2020 या 21 के आसपास आपके फतह करने से जस्ट पहले जी उसमें 0.86 सेंटीमीटर का हाइट बढ़ गया जी। तो आप इसे रिकॉर्ड मानती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को पता है कि 8,848 मीटर एवरेज की हाइट थी और अधिकतर लोगों ने किया है। अगर मुझे 0.8 में मैं परसेंट बन रहा है तो ऑब्वियसली मैं तो आप सभी की सेंस होगी कि 0.86 काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंच वहाँ के लिए कीमती है, तो 86 तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो जिस तरीके से मैंने विश्व की दो ऊंची चोटी किया, 23 मई को मैंने माउंट लोहस से जो 8,516 मीटर का था विश्व की चौथी ऊंची चोटी है, वैसे ही माउंट एवरेस्ट विश्व की फर्स्ट ऊंची चोटी है जो 8,848.86 मीटर है। तो आप समझिए बिल्कुल, दो चोटी पर एक साथ फतह करना। सबसे बड़ा बात ये था कि कोविड था, कोविड की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आई, कई लोगों को कोरोना हो चुका था, नीचे भेजा गया, वैसे ही वेदर नहीं मिल रहा था, वेदर ऑप्शन नहीं दे रहा था। बेस कैंप में इतने सारे क्लाइंबर्स के बीच में अगर इंडिया के लिए कोई अच्छा अचीव मिला है जो 21 में मिला है, तो वो मैं अभी बैठी हूँ आपके सामने, तो ये अचीवमेंट था। मैं मेंस और पुरुष की बात करेंगे तो इंडिया की मैं पहली वहाँ थी जिसने ये सबमिट किया, जो दोनों पीक एक साथ सबमिट करना, तो ये चीज़ रिकॉर्ड में तो आना ही चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी देना चाहिए हर किसी को। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रगल हुआ जी। तो
तो खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज आप जरूर दें कि अगर उनके लाइफ में किसी प्रकार से कोई समस्या आती है, चाहे किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी भी अदर फील्ड्स में हों, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर पीछे हट जाते हैं या डीमोटिवेट होकर पीछे हट जाते हैं, तो इनके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक मैं आपसे ज़्यादा किसी से इंस्पायर हुआ हूँ या फिर आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल रहा वैसा स्ट्रगल किसी के लाइफ में देखा हूँ। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है, पर इतना स्ट्रगल, तो मुझे लगता है कि अगर आप दो शब्द इन लोगों के लिए कहें जो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, आज का यूथ ऐसा है कि फैसिलिटीज में जीना पसंद करता है। वो कहते हैं ना, पहले चिमनियों में पढ़ा करते थे, दूसरे के खम्भों में जाके पढ़ा, कंफर्ट जोन में चले गए, राइट। आज इतनी सारी फैसिलिटियां हैं और आप कहते हैं कि गिव अप कर लेना चाहिए, तो मैं यही सजेशन करूंगी, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते हो, आर्मी फोर्स में जाना चाहते, एयरफोर्स में जाना चाहते, इवन माउंटेनिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करना चाहते हो, आपका अगर एक लक्ष्य है तो उसे शिद्दत से करिए। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना, तो चार लोग बोलते हैं और फिर चार लोग बोलने के साथ हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपना मॉरल डाउन कर लेते हैं। और सबसे अच्छा तो है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, डिसीजन हमारा है, कर्म हमारा है, तो ऊपर वाला साथ है और आपके पेरेंट्स साथ हैं, आपके चार दोस्त साथ हैं, चार साथी साथ हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इवन एक छोटा सा शेयर करना चाहूँगी मेरी स्टोरी। जब मैं माउंट एवरेस्ट के लक्ष्य के लिए पहुँची, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बहुत क्लोज थे, वो भी मुझसे दूर हो गए थे, तो आई फील मैं अकेली हो गई थी। जब हम अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते हैं तो हम अकेले ही चलते हैं, और अकेले चलने का जो मज़ा है ना, जितनी स्ट्रगल सबके सामने आती है तो अकेले में बहुत ज़्यादा आती है। और जब हम अकेले जब चल के आज खड़ी हूँ ना, तो आज सारे वही फ्रेंड्स ऐसे कहते हैं कि मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी सिस्टर, बहुत अच्छा फील होता है। तो जो लक्ष्य है उसे बिल्कुल ये मानिए कि यही भगवान है, क्योंकि अगर आपको भगवान देखनी है तो आपके अंदर ही है कहते हैं, और उसी तरीके से आपके भगवान को आपको खुद को ढूंढना होगा, वो आपके कर्म है, आपका लक्ष्य ही आपका सब कुछ है। आप किसी भी कहीं भी कहाँ जैसे जाना है जाइए, जो करना है करिए, लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि मेरे लक्ष्य का टाइमिंग ये है। क्योंकि एक होता है कि लक्ष्य को लेके बैठ के पूरी जिंदगी निकाल नहीं सकते हम, बिल्कुल, और लक्ष्य के साथ हमारा फिर वो नहीं मिलता तो हम अपना अलग अलग डिसीजन लेने लग जाते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से सख्त हो जाते हैं। जिस दिन आप दिल से, दिमाग से, इवन अपने बॉडी से यही कहेंगे कि हाँ, मैंने अगर 3 साल का समय अगर स्टडी के लिए दिया है तो यस, आई फील स्टडी कम्प्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैंने सोच लिया था कि 19 से लेकर 2025 तक के बीच में मुझे ये करना है, तो आई थिंक मुझे करना था, और 19 के बाद 20 लगी, 20 में कोविड आ गया, वरना शायद ये 20 में हो जाता, वही 21 में मैंने चांस ले लिया, क्योंकि ये लक्ष्य की बात थी। तो हम हर एक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा रख देते हैं कि इस समय तक मुझे यही करना है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 3 साल के लिए वो टारगेट रखे और 3 साल बाद हमें नहीं मिलता, तो हमें 4th साल हमारा टारगेट चेंज कर देना चाहिए। वो सिचुएशन कब आता है, जब हमारे फैमिली बैकग्राउंड, इवन 4 लोगों, हमारे बैकबोन्स नहीं मिलता, हमारे साथ नहीं मिलता, हम आर्थिक स्थिति से परेशान हो जाते, तब हम हमारी ड्रीम को चेंज कर देते हैं। तो ये ड्रीम को चेंज तो कीजिए, लेकिन किसी और के साथ वो ड्रीम को जोड़ के रखिए। जैसे मैं आप लोगों से बहुत इंस्पायर हुई कि मैं अगर PSC फाइट कर रही होती तो शायद मुझे ये चीज़ नहीं मिलता जो आप लोग अभी लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि उस समय तो हमें बाहर जाके जनरल कोटा से हैं, OBC कोटा के हैं, ST कोटा, सारा कोटा वाला बात आ जाता है, तो हम पिछड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी जो यूट्यूब में चलाया जा रहा है, मोटिवेशन स्पीच दी जाती है, बहुत हद तक हमारी भी ये कोशिश है, हम शुरू से लगभग 2015-16 से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं कि जो आज की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को कैसे लास्ट बच्चे तक पहुंचाया जाए, अगर उसमें क्षमता है कि वो क्रैक कर सकता है, अगर उसमें क्षमता है कि वो आगे बढ़ सकता है, तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम उन तक पहुंचे और उन तक उन संसाधनों को पहुंचाएं, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हो। पहले हो सकता था कि आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप पहुंच सकते हो, तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम उन तक पहुंचे, उनके लिए कुछ कर सके, तो इसी प्रयास में हम भी लगातार काम कार्य कर रहे हैं। और आप सभी से एक बात, बहुत ये पूरे इंटरव्यू में आपको एक चीज सीखने को तो जरूर मिला होगा कि चुनौतियां बहुत सारी आएंगी, बिल्कुल, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आता है, सोसाइटी पीछे से क्या कह रही है, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच गए, तो याद रहेगा तो सिर्फ आपका सक्सेस स्टोरी, और फिर जो आपको इधर छोड़कर गए थे, उधर छोड़कर गए थे, सब आपके पीछे खड़े होंगे। तो बस ध्यान में रखिए, तो अपना टारगेट याद रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता
कि मैं आप लोगों के लिए या फिर हम आप लोगों के लिए नैना जी से बड़ा कोई इंस्पिरेशन सामने ला सकते हैं, क्योंकि 2 साल की उम्र में फादर को खोना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद छोटी छोटी हर एक स्टेजेस पे पढ़ने के लिए, फिर बुक के लिए, हर पैसे के लिए, कुछ भी छोटी छोटी बातों के लिए इतना स्ट्रगल, और आज इन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। तो इनसे बड़ा इंस्पिरेशन आप सभी के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपके मन में कुछ करने की जिज्ञासा है, इच्छा है, दृढ़ शक्ति मजबूत है, तो आप भी वहां पहुंच सकते हो जहां आपने पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के इस इंटरव्यू में इतना ही, और नैना जी लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और भारत की बेटी हूँ, बस्तर की मिट्टी से जन्मी हूँ, और शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पूरे भारतवासी, मेरे गुरुजन, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो गुरुजन का सारा आशीर्वाद होना चाहिए कहते हैं, तो आप लोग तो गुरु हैं और अपने स्टूडेंट पे हमेशा आशीर्वाद बना के रखिए ताकि वो शिष्य अर्जुन की तरह निकले। जी बिल्कुल। और उसी तरीके से मैं अपने सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने मुझे शो में बुलाया उसका आभार है, और जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है तो एक बैकबोन्स की भी ज़रूरत होती है, फैमिली के साथ एक बैकबोन्स होते हैं। कहीं ना कहीं आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आप में वो चीज़ है कि आप वो पा सकते हैं, तो एक टारगेट जरूर बनाइए और अपने लक्ष्य को साधिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो आपका मोटिवेशन है बढ़ा होगा, और आप अपने प्रिपरेशन को लेकर अगर पीछे हटने का सोच रहे हैं तो फिर से एक नई शुरुआत करें, और आप सभी को ढेर सारी हम दोनों की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ राज्य गठित होने के बाद ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, और जिस सुदूर अंचल से नैना सिंह धाकड़ आती है और जो इन्होंने अचीव किया है वो बहुत बड़ी बात है। सरकार से मेरा यहाँ एक अनुरोध है और सुझाव भी है। सरकार अगर ये चाहती है कि जो आने वाला यूथ है वो कुछ अलग करे, कुछ अलग अचीव करे, और स्पोर्ट्स के सेक्टर में या फिर माउंटेनर के सेक्टर में अगर वो अपना कैरियर देख रहा है तो सरकार को यहाँ पर उनका सपोर्ट करना होगा, बेहतर तरीके से सपोर्ट करना होगा, जो सरकार कर रही है उससे भी बेहतर करना होगा। क्योंकि आज जब भी ओलंपिक की बात होती है तो टॉप कंट्रीज़ में हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को गिनते हैं, चाइना को गिनते हैं, या फिर किसी यूरोपियन कंट्रीज़ को गिनते हैं। भारत अभी भी बहुत नीचे है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी ये ध्यान देना होगा कि अगर हमारा देश भी टॉप रैंकर बने तो इस क्षेत्र में युवाओं को ये भरोसा देना होगा कि आपका कैरियर इस क्षेत्र में भी बहुत बेहतर हो सकता है, आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रयासें की गई हैं लेकिन काफ़ी नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पीवी सिंधु, जब इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीता तो इन्हें आंध्र प्रदेश का डिप्टी कलेक्टर प्रमोट किया गया। एक और एग्जाम्पल, हरभजन सिंह को भी डिप्टी कलेक्टर प्रमोट किया गया था, क्रिकेटर हैं। सरकार को यहाँ ध्यान देना होगा कि और भी बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट होते हैं जो हाइलाइट्स में बहुत कम आते हैं और कुछ समय तक हाइलाइट्स में रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कई ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया और बाद में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक तंगी देखनी पड़ी और भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसे देखकर, ये सब देखकर आने वाला जो यूथ है वो मोटिवेट नहीं हो पाता कि इस क्षेत्र में मेरा कैरियर हो सकता है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जो आने वाला जनरेशन है, अगर आप चाहते हैं कि ये जनरेशन इस फील्ड में कुछ बेहतर करे, कुछ अलग अचीव करे, कुछ अलग करे, कुछ अलग एडवेंचर करे, या फिर इस स्पोर्ट्स में ओलंपिक में बेहतर करे, तो एग्जाम्पल सेट करके देना होगा कि आपका भी कैरियर इस क्षेत्र में बहुत बेहतर है। सरकार को ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया है या फिर देश को गौरवान्वित किया है उन्हें प्रमोट करना होगा, किसी भी जगह किसी भी बेहतर तरीके से कोई नया स्कीम लाना होगा। तो सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे, मेरा यही सुझाव है। आप सभी का धन्यवाद।